मित्रों, हिंदू धर्म में कई लोगों के मन में ये आशंका रहती है कि उन्हें मांस और अंडा खाना चाहिए या फिर नहीं। शाकाहारी भोजन हिंदू धर्म में सर्वोत्तम बताया गया है, लेकिन मांस खाने को लेकर कोई सख्त अनुदेश नहीं दिया गया। तो मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार मांस और अंडे का सेवन करने वाले मनुष्य के साथ क्या होता है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, वेदों के अनुसार जानवर की हत्या करना पाप है और इसमें मांस खाना भी सख्त मना किया गया है। अथर्व वेद में ये लिखा है कि आप चावल, गेहूं, दाल आदि को ही भोजन के रूप में लें, जो आपके लिए सबसे अच्छा और सादा भोजन है। दूसरी ओर ऋग्वेद में कहा गया है कि गाय जगत की माता है और उसकी रक्षा ही समाज का उत्थान है, इसीलिए गाय के जैसे सभी जानवरों की रक्षा की जानी चाहिए। भगवत गीता में भी भोजन को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। सात्विक भोजन करने वाले मनुष्य के विचार भी सात्विक होते हैं, और वहीं तामसिक भोजन में मांस और शराब जैसी चीजों का सेवन किया जाता है। इस प्रकार का भोजन करने वाले हमेशा अपने बुरे कर्मों की वजह से बीमार और आलसी रहते हैं, और जो व्यक्ति मांस खाता है वो नरक का भागी बनता है। मित्रों, और तो और गरुड़ पुराण में भी मांस न खाने से लेकर एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार बचपन में एक दिन जब श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे, तभी एक हिरण वहां आया और उनके पास आकर छिप गया। कन्हैया ने भी उनके सिर पर हाथ रखा और उससे पूछने लगे कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तभी एक शिकारी वहां आया और उनसे कहने लगा कि ये मेरा शिकार है, इसीलिए इसे मुझे सौंप दो। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि अपने जीवन का हर जीव का अपना अधिकार है। ये सुनकर शिकारी क्रोधित हो गया और उसने फिर से कहा, ये मेरा शिकार है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मांस खाना पुण्य है या पाप, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा बुद्धिमान नहीं हूँ। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर मैं शिकार नहीं करूँगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं इस मृग को इस जीवन के बंधन से मुक्त कर एक तरह से पुण्य ही कमा रहा हूँ। और जहाँ तक मैंने सुना है, शास्त्रों में भी हत्या को न्यायोचित माना गया है। राजा भी तो शिकार करता है, तो फिर क्या ये पाप सिर्फ मेरे जैसे गरीब लोगों को ही लगता है? इतना ही नहीं, शिकारी ने कृष्ण से फिर पूछा, अब तुम ही बताओ। मित्रों, शिकारी के मुख से ये बातें सुनकर भगवान भी समझ गए कि मांस खाने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उसने सोचने और समझने की शक्ति भी खो दी है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। अब शिकारी के मन में ये बात आई कि चलो कहानी सुन ही लेते हैं, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और अंत में मुझे हिरण भी मिल जाएगा। तो मित्रों, श्री कृष्ण की कथा कुछ इस प्रकार थी। एक बार मगध में सूखे के दौरान अनाज का उत्पादन कम हो गया। राजा को चिंता सताने लगी कि अगर इस समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो राज्य में जमा अनाज के भंडार समाप्त हो जाएंगे, जिसके बाद राज्य में संकट और बढ़ जाएगा। अब इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा ने तुरंत बैठक बुलाई और सभी से सुझाव मांगे कि इस खाद्य समस्या को हल करने के लिए सबसे सस्ती चीज क्या है। ये सुनकर सभी मंत्री सोचने लगे कि गेहूं, चावल और अन्य फल उगाने में तो बहुत समय और मेहनत लगती है, तो ऐसी स्थिति में मांस ही सबसे पौष्टिक और सस्ता भोजन है। जंगल में जानवरों की भी भरमार है। मित्रों, इस सुझाव का समर्थन बाकी सभी मंत्रियों ने किया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री को चुप देखकर राजा उनसे पूछने लगे कि आप चुप क्यों हैं? अपने विचार पेश क्यों नहीं करते? तब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता खाना है, फिर भी कल सुबह इस विषय पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। और शाम के ढलते ही प्रधानमंत्री उसी रात मांस की बात करने वाले मंत्री के घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज बीमार पड़ गए हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि यदि शक्तिशाली शरीर का मांस मिल जाए तो राजा को बचाया जा सकता है। आप महाराज के बहुत करीबी हैं, इसीलिए आप जो चाहे ले सकते हैं। मैं आपको इसके लिए 1,00,000 मुद्राएं भी दे सकता हूँ। इसके लिए बस तुम अपने दिल के पास का 2 तोला मांस दे दो। ये सुनते ही मंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सोचने लगा कि अगर मैंने दिल पर खंजर मारा
तो मेरी जिंदगी ही चली जाएगी और जीवन के चले जाने पर लाखों सोने के सिक्के और महलों का मैं करूंगा क्या। वो जल्दी से महल के अंदर जाता है और अपनी तिजोरी में से 1,00,000 सोने के सिक्के लेकर बाहर आता है। वो मुद्राएं प्रधानमंत्री के पैर पर रखता है और गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, हे श्रीमान, मैं आपकी 1,00,000 मुद्राओं में अपनी 1,00,000 मुद्रा और मिलाता हूँ। इन पैसों से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद ले, लेकिन मुझे बख्श दे और ये बात बाहर ना निकले। मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ। ये बात सुन प्रधानमंत्री ने कहा, सामंत आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कद काठी महाराज से मिलती जुलती भी है, इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे यशस्वी राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को भी तैयार हूँ और मैं खुद आपका सेवक बनकर रहूंगा, परंतु प्रजा से हमारा राजा न छीने। सामंत तुरंत ही प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया और बोला, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे तो किसी पद या राजा के सिंहासन का भी मैं क्या करूँगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले ले, लेकिन मेरे प्राण बख्श दे। मैं अपना ये भवन और इस सारा धन आपको सौंपता हूँ, रातों रात राज्य से भी निकल जाऊंगा। इतना कहकर वो अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपना घोड़ा गटने लगा, पीछे से आवाज आई कि अपने परिवार को पीछे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। इस पर सामंत बोला कि मेरे प्राणों से प्रिय कुछ भी नहीं, जब जीवन ही न रहेगा तो मैं कुटुंब का करूंगा क्या, जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। और इतना कहते ही वो एक छलांग से घोड़े पर बैठ गया। वो भी चलने के लिए तैयार हो ही रहा था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की साख पकड़ ली। वो सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी और के लिए प्रयास करता हूँ। ये कहकर प्रधानमंत्री वहाँ से चले गए और इसके बाद प्रधानमंत्री एक एक करके सभी सामंतों के घर पहुँचे और उनसे 1,00,000 सोने की मुद्राएं इकट्ठी करते चले गए। अगले दिन राज्यसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुँच गए। सभी ये जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ हुए या फिर नहीं, लेकिन कोई भी किसी से अपना भेद नहीं खोलता। सबको राजवैद्य की तलाश थी क्योंकि उनसे ही राजा की तबीयत की सूचना मिल सकती थी। उधर प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज सभा में न आए, किसी भी सामंत को महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। महाराज अपने चिर परिचित अंदाज में राज्यसभा में आए और अपने सिंहासन पर जाकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा कि राजा उन्हें कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहे थे और वो समझ गए कि प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के सामने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं रख ली। राजा ने पूछा कि ये स्वर्ण मुद्राएं कहां से आई हैं और किसके लिए हैं। तब प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, महाराज सिर्फ 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुट गई, लेकिन मांस न मिला। अपनी अपनी जान बचाने के लिए इस राज्यसभा में बैठे इन सामंतों ने ही ये मुद्राएं दी हैं। अब आप ही ये विचार कीजिए कि मांस सस्ता है या फिर महंगा। और इस तरह प्रधानमंत्री की बात राजा से लेकर सभी सामंत भी समझ गए। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने खूब मेहनत की और पौष्टिक सब्जियां और अनाज उगाया। वहीं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। और मित्रों, इस तरह मगध राज्य का ये खाद्य संकट दूर हुआ। अब मित्रों, भगवान कृष्ण से ये ज्ञान मिलने के बाद शिकारी समझ जाता है कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि देने में है। तो मित्रों, अब आप ही बताइए कि मांसाहार खाना पाप है या पुण्य। आज की हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी ये भी नीचे कमेंट्स में बताना न भूलें। और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।